हेलो हाय यूनिट स्टॉक टिपन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील शेयर्स के बारे में, इनफैक्ट सेल इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले की इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। एंड बाकी सारी वीडियोस भी आ चुकी है तो आप लोग ये भी सारी जाके वॉच कर सकते हैं, सारी वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं टाटा स्टील राइट नो 142 रुपीज पे ट्रेड करते हुए दिख रही है एंड 0.74 का फ्लक्चुएशन देखने को मिला, वो भी अपर ट्रेंड में अच्छा खासा मूव। यहाँ पे एक मेजर डाउनफॉल हमें देखने को मिल गई थी टाटा स्टील के साइड एंड देन अगेन अच्छा खासा रिकवरी होते हुए दिखा है। शेयर किस तरीके से परफॉर्मेंस बनाएगी आगे के साइड, सबको इसको लेके पैनिक है। मतलब ये इनफैक्ट न्यूज है तो बहुत सारी चीज आती है, कभी टाटा स्टील के जॉब्स के रिगार्डिंग न्यूज आती है तो कभी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग न्यूज आती है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर टाटा स्टील पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। अब क्यों, ये सारे रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ, डिलीवरी नहीं दिख रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ा सा फंडामेंटल बस ओवरव्यू ले लेंगे। अगर आपको किसी को डिटेल में जानना हो तो ऑफकोर्स मैं आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बना दूंगा, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बट आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हम ऑल ओवर चीजें पे ध्यान दे तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो कि टाटा स्टील में एक गजब का फ्लो देखने को मिला है। यहाँ से पॉजिटिव इनफैक्ट अगर बात करें सेल्स की साइड, तो सेल्स ऑफकोर्स कम होते हुए दिखी बट एक्सपेंसेस भी उसी के अकॉर्डिंग कम होते हुए दिखी। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हमारे हाथ में बनता है वो एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है। देन आफ्टर दैट सब चीज करने के बाद पीबीटी एवरीथिंग, मतलब एवरीथिंग के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस बार पॉजिटिव में मेंटेन करते हुए देखिए, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। इनफैक्ट बात करें अदर इनकम सब तो जो भी रहता है यहाँ पे माइनस में मेंटेन करते हुए रहा है, और लास्ट टाइम तो और भी ज्यादा माइनस में थी, तो ये सब एक मेजर रीजन हो जाती थी हमारे लिए। इस बार पॉजिटिव में मेंटेन करते हुए दिखा है तो बहुत अच्छी बात है। एंड नेट प्रॉफिट की साइड बात करें तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं एक मेजर जंप देखने को मिला है। तो यहाँ पे -600 था और वहां से एक मेजर जंप। तो इनफैक्ट अगर हम लोग इस चीज को हटा दे, सितंबर 2023 को हटा दे तो जून 2023 से कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं उस साइड में से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। तो कंपनी अपने आप को पूरा ऑल ओवर मेंटेन करते हुए दिखी है। एंड देन मैं आप लोग को बताऊ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सबकी, मतलब ऑल ओवर, मतलब ईयरली वाइज बताऊँ तो ये तो चेंज हो जाता है, क्वार्टर फोर तक में अलग ही कुछ डिफरेंट आ जाता है। बट यहाँ पे देख सकते हैं मार्च 2023 से उससे पहले से यहाँ पे मेजर नेट प्रॉफिट में फॉल होते हुए दिखा, तो ये थोड़ा सा निराश करने वाली बात थी। बट ऑल ओवर अगर बात करें तो कंपनी की जो हमेशा रिजल्ट आती है, रिजल्ट के बाद से ये तेजी बनाती है, चाहे कैसे भी रिजल्ट आए तेजी बनाती है। अगर आप मेरे बात से एग्री कर रहे हो तो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि जो लोग भी ट्रेड कर रहे हैं उनको ये बात पता होगा। अब बोरोइंग से सही बात करें तो कंपनी की बोरोइंग बढ़ते हुए दिख रही है, बोरोइंग से कोई कमी नहीं, बट रिजर्व भी उसी लेवल पे आते हुए दिख चुका है। एंड इनफैक्ट रिजर्व कम होते हुए दिखा है, वन मोस्ट नेगेटिव न्यूज। तो आप लोगों को ध्यान देना है इस पार्ट पे, रिजल्ट आपको मतलब आपको ऑलमोस्ट कम होते हुए दिखा है रिजल्ट, तो मतलब पहले 1 लाख प्लस में थी, अब 1 लाख से कम हो गई, 87,000 पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको फोकस बनाना है। इवन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सब के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पे मैनेजमेंट में दिखा रही है, बट नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है। यहाँ पे देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के साइड, तो नेट प्रॉफिट के साइड थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, तो ये थोड़ा सा पैनिक करने वाला सिचुएशन क्रिएट करता है, क्योंकि ऑपरेटिंग मेंटेन करते हुए देखिए, इनफैक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लास्ट टाइम से और 2022 से यहाँ पे और माइनस में है, तब थोड़ा सा दिक्कत की बात है। एंड प्रमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स ऑलवेज सेम बनी हुई है, बीच में थोड़ा सा डाउन देखने को, वो बहुत पहले का है, तो यहाँ पे देखने को मिली थी। देन आफ्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम होते हुए दिखे, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में अच्छी खासी तेजी है, यहाँ पे देख सकते हैं 23 मेंटेन कर चुकी है एंड आगे तो मूव बना ही हुई है, मतलब अच्छा खासा मूव बनाई हुई है फॉरेन, मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। अब एक सबसे मेजर चीज आप बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे टाटा स्टील को मैं बताता हूँ, यहाँ पे जब भी क्वार्टर के रिजल्ट आए उसके बाद डाउनफॉल होते हुए दिखा, बट अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर कंपनी से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अभी भी शेयर्स में बहुत पोटेंशियल है कि ऊपर भागते हुए दिखेगी। इवन आप लोग देख सकते हैं ये है सेल इंडिया एंड टाटा स्टील की कंपैरिजन, बट सेल इंडिया का भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर लास्ट ट्रेडिंग डे में 1.63% की अच्छी गजब की तेजी, एंड देन 5 डेज पे देख सकते हैं उतार चढ़ाव मार्केट में बना हुआ था,
इनफैक्ट 1 month से भी वही हाल था, बट आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ से जो मेजर डाउनफॉल होते हुए दिखा था, शेयर बहुत ऊपर थी एंड यहाँ से देख सकते गजब की डाउनफॉल, एंड शेयर फिर से टच करने का ट्राई कर रही है, टच करते हुए भी दिखेगी, ऐसा नहीं है टच करते हुए नहीं दिखेगी, जल्दी ही चांसेस है कि टच करते हुए दिखेगी आपका यहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस एरिया में आपका मेजर सपोर्ट है, मतलब रेसिस्टेंस है, तो आप लोगों को वहां पे फोकस बना के रखना है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जब अगर आप ट्रेंड लाइन पे फोकस करेंगे तो किस तरीके से ट्रेंड लाइन मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे एक अलग तरीके से अपर ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिखा है। अगर हम लोग 1 year के कंपेरिजन करें चार्ट पैटर्न पे, तो 1 year के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट में फ्लो बनाया हुआ है। यहाँ पे 1 year के कंपेरिजन में देख सकते हो कि मार्केट में हमेशा टाटा स्टील एंड इवन अगर हम लोग बात करें टाटा स्टील एंड सेल इंडिया किस तरीके से फ्लो बना के रखती है, हमेशा देख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इनका किस तरीके से बन, बट अब कुछ ज्यादा ही ऊपर चली गई है। एंड इवन ऐसा नहीं था कि टाटा स्टील ऊपर नहीं गई, टाटा स्टील भी ऊपर गई है, बट अकॉर्डिंग टू सेल इंडिया उतनी ज्यादा ऊपर नहीं है। एंड कॉम्पिटिटर कंपनी के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कंपनी मतलब एक सबसे बेस्ट है कि मतलब कॉम्पिटिटर अच्छा खासा ऊपर रहते हुए दिखी। इनफैक्ट अगर 3 months के कंपैरिजन में दिखे तो कंपनी हद से ज्यादा ऊपर चली गई है, तो चांसेस रह सकता है कि यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है एंड और भी थोड़ा सा करेक्शन होते हुए दिखेगा, तो लगभग सेल इंडिया आपको जल्द ही चांसेस हो सकता है कि मतलब हो सके कि मे बी 120 पे फिर से आए, क्योंकि कॉन्सिलिडेट करेगी वहां पे, चांसेस पूरा का पूरा है कॉन्सिलिडेट करेगी। इवन अगर बात करें टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील अपने उसी रेंज में तो 150 टच करने का चांसेस बना सकती है, तो यहाँ पे ऑल ओवर वैसे तेजी देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ पे मैं एक बार कट कर लेता हूँ टाटा स्टील के साइड, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे सेल इंडिया को अच्छे से समझेंगे। सेल इंडिया आप देख सकते हैं गजब की एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है एंड 127 पे ट्रेड भी कर रही है। यहाँ पे अपर ट्रेंड को अलग ही तो मतलब देख सकते हैं, फोकस बनाए तो यहाँ पे अपर ट्रेंड को नेक्स्ट लेवल तरीके से फॉलो भी करते हुए दिख रही है, तो शेयर का पूरा 136 तक का पहला टारगेट 136 का रहेगा, आपको टच करते हुए दिखती है तो बहुत अच्छी बात है। बट आप लोग याद रखना 148 या 145 का एरिया से इसको एक मेजर डाउनफॉल फिर से देखने को मिल सकता है, नहीं तो अगर मार्केट क्रैश करती है तो एक इफेक्ट आपको सेल इंडिया पे पक्का देखने को मिलेगा, एक इफेक्ट सेल इंडिया टाटा स्टील पे होते हुए दिखेगा, चांसेस पूरा है। एंड इवन अगर बात करें तो कंपनी की अपनी भी स्टेटस बनी हुई है, तो ऐसा कुछ मतलब आप उतना भी पैनिक मत हो जाना, मतलब इफेक्ट तो देखने को मिलेगा यार, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके साइड कंपनी मतलब अपनी इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रही है तो ये सारी चीज का गुड न्यूज भी है, बट जिस लेवल से कंपनी भाग रही है वहां पे नेगेटिव आती है बातें। यहाँ पे चांसेस पूरा रहे कि शेयर फिर से यहाँ पे इस पॉइंट पे आते हुए दिखेगी एंड यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, ये मैं टाटा स्टील की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना, 146 का एरिया है, बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना गाइस, अगर मतलब क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारी चीजों की बात हुई है क्वार्टर फोर की रिजल्ट आने से पहले, मतलब मार्च 2023 के टाइम में जब क्वार्टर फोर की रिजल्ट बनने लगेगी तो ये सारी चीज में एक बहुत बड़ा मेजर डाउनफॉल आ सकता है, मार्केट क्रैश करने की चांसेस है। इवन मैं क्यों बोल रहा हूँ मार्केट क्रैश करने की, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूज, क्योंकि आप लोग सुने होंगे कि न्यूज में सबको ही बातें कर रहे हैं मार्केट क्रैश होने की चांसेस है, यहाँ से वहां से बहुत सारे ब्रोकर फर्म बोल रहे हैं एंड यूके मार्केट में रिसेशन है, कुछ ऐसा बहुत सारा न्यूज सुनेंगे, बट मेन रीजन अगर बोले तो यहाँ पे जिस तरीके से RBI गवर्नर के पॉलिसीज चेंज किए गए हैं बैंकिंग सेक्टर को लेके, तो बैंकिंग सेक्टर में जब भी इफेक्ट देखने को मिला है उसके बाद कुछ महीने बाद हमेशा एक ये स्टॉक मार्केट में एक मेजर इफेक्ट देखने को मिला है। एंड इवन अगर बात करें निफ्टी की तो निफ्टी भी नेक्स्ट लेवल पे मेंटेन करते हुए दिखी है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी एक बहुत ज्यादा हाई पे अभी है, तो चांसेस बनता है कि थोड़ा सा होगा करेक्शन और अच्छा खासा होगा, अभी तो मतलब जो लास्ट टाइम हुआ था वो तो कुछ नहीं था, चांसेस मिलेगा कि अच्छा होते हुए दिखेगा, बट टाटा स्टील थोड़ा सा सेफेस्ट रह सकता है हमारे लिए, बट यही याद है कि यही चीज हमें याद रखना है कि सपोर्ट हमें अब हमेशा याद रखना है कि हमारा सपोर्ट क्या है, सपोर्ट आपको पता ही है कि 130 हमारा बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस।